ये लोग कोई लग रहा निकाल नहीं पाएगा अपनी गाड़ी, जैसे ड्राइवर कार इधर उधर इधर उधर चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, जैसे साले अनपढ़। हाँ ये इधर से इधर निकल जाओ पूरा। I have a very serious and a dumb question for you, that why is our AQI is increasing constantly? Yesterday it was 200 or 250 or something like that, and today is 302. मैं ये सोच रहा हूँ कि दिवाली के समय क्या होगा, दिवाली के समय तो एकदम मतलब 600-700 पार दिल्ली की तरह। What's going on guys? I'm just like a normal vlogger who is trying to vlog in Lucknow, and by the talk of Lucknow, I just don't know whether you guys remember or not, is a problem is going on with my motorcycle. Problem तो वैसे काफी simple सी है, अभी तक तो सिर्फ मेरी disc पहले थोड़ी सी bend हो गई थी, इस समय problem आई है इसके speedometer में। इसका speedometer जरा सा भी work नहीं कर रहा है, और ये भी आगे वाले पहिए में जाता है, तो अब पता नहीं, अब देखते हैं मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक क्या बताता है इसके बारे में। मैंने कुर्बान करने के लिए रखा हुआ अपना एक्शन कैमरा। ऑलरेडी वी आर बैक ऑन ट्रैक। ये लोग कोई लग रहा है निकाल नहीं पाएगा अपनी गाड़ी, जैसे ड्राइवर कार इधर उधर इधर उधर चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, जैसे साले अनपढ़। तो मैं हवा भरा लेता यार, लेकिन हवा के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास। हाँ ये इधर से इधर निकल जाओ पूरा, जाओ कर लो ओवरटेक। रेस लगा रहा था पता नहीं क्यों, इन लोगों को रेस लगाने की पता नहीं कौन सी शौक चढ़ता है। ऐसे और कूद के जाओ, मर जाओ आगे गाड़ी के नीचे आके मर जाओ सालो। इंडिकेटर जला हुआ है, लेकिन आंटी जी को समझ में नहीं आ रहा है शायद, क्या बात है। सारे सिग्नल आज खुले हुए मिल रहे हैं भाई, सारे लोग खड़े क्यों हैं एक जगह भाई, कौन सी खुशी को प्रसाद मिल रहे क्या आपको। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं जब भी बाइक चलाता हूँ यही हाल होता है, कुछ भी बोलने लगता हूँ, चलो मैटर भी नहीं करता कि मैं क्या चिपकने लगता हूँ। फिर से आफ्टर एनी मंथ फिर से हजरतगंज चौराहे पर काफी दिनों बाद इस तरह वहाँ के काफी अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस चौराहा, लेकिन अब क्या करें, इनके लिए डोंट नो दिस हजरतगंज चौराहा, यहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है इसीलिए हम खड़े, हम कोई बेवकूफ तो है नहीं। और भयंकर ये क्या है भाई साहब, ये ट्रैफिक है क्या, काफी अच्छा लग रहा है यार देख के। बहुत दिनों बाद आया यहाँ पर, हाँ बीच में चला रहे हो यार, चलो 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 सारे बाप रे बाप, ये ऐसे चल रहा है, ये नशे में है अपना, लड़ा लिए फोन लगा के चला रहे। फोन की बीमारी बहुत खतरनाक है सर, या इसका ये खराब हो गया है, स्पीडोमीटर खराब हो गया है। ये इसका स्पीडोमीटर खराब हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें अंकल, बजाज का मीटर केबल। कितने का है, 108 रुपए का, लाइए हाँ बिल निकाल लीजिए, बिल दे दीजिए बिल। ये मत हिला देना, ये इसका तार लगा हुआ है इसमें चार्जिंग का, मिल गया शायद वो, ये टूट गया है तार चार्जिंग वाला, इसमें टूटा, इसमें क्या चीज है, ये क्या ये वायर नहीं है, ये टूटा है भैया, इसका वाइजर दे दीजिए है, शीशा नहीं है, कोई भी नहीं है, और कहीं मिल जाएगा। चलो बेटा चलो, बुरा हाल है भाई साहब यहाँ पर तो। हाँ इसका वाइजर, इसका चाहिए आराम से वाइजर, चाहिए वाइजर देख लो है, नहीं है सामने से चले या इधर से चले, इधर तीन चार इधर सिग्नल मिल जाएंगे, काम करते हैं शर्मा की तरफ से चलते हैं। अरे रुको बे, आई होप कि इसकी बैटरी ठुस ना हो, रिक्शा वाले इनका तो हक बनता है भैया बीच में चलाने का, ये चल रहा है यार, जाना तो हमें भी उधर ही है। वाह 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 वाह, शर्मा इज बैक ऑन फायर, कोरोना तो मतलब ऐसा लगता है आजकल की है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कोरोना। चलो ट्रैफिक वैसे क्लियर्ड है, उतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बस निकाल नहीं पा रहे, पार्किंग पे लगाया हुआ है। चलो भैया क्या कर रहे हो हमार, अरे ये खड़ा क्यों जा रहा है यार, ये हम लोग वापस आ गए, सेल्फी इज नॉट अलाउड, नो सेल्फी लिखा हुआ है यहाँ वहाँ पर, अगर आप लोगों को देख पा रहे होगी इस बोर्ड पे, सेल्फी इज नॉट अलाउड बट आई एम डूइंग अ मोटो व्लॉग। ये देखो अंकल जी एकदम
स्टार्ट करने के निंजा टेक्निक, घर से लगाएंगे चाबी घुमाएंगे स्टार्ट कर देंगे। तो चलो भाई, आज आधा पोपट हुआ है, पूरा पोपट आज नहीं हुआ है। वाइजर मेरे को भले ही नहीं मिला लेकिन मेरा ऑडोमीटर ठीक हो गया एंड स्पीडोमीटर ऑब्वियसली दोनों एक ही है। देखो भाई साहब, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर, बैठे भी हुए हैं, ये देखो आराम से, मतलब कोई रिस्क, नो टेंशन, नो नथिंग, कुछ भी नहीं। देखना मत, माय मोटरसाइकिल इज एक्चुअली डेस्परेट फॉर सर्विसिंग। ये साथ के ऊपर जा ही नहीं रही है, सर्विसिंग की उसको बहुत जरूरत। अरे बाप रे बाप, सर्विसिंग की उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या है ना, आज इतने दिनों बाद आज का बाइक चला रहे हैं, तब जाके थोड़ा अनुभव हो रहा है कि हाँ, सर्विसिंग इज मस्ट। एक्चुअली सर्विसिंग इज ऑलवेज मस्ट, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सर्विसिंग का यहाँ पे उल्टा सीधा सब कुछ भी सर्विस कर देते हैं, अगर सर्विसिंग की अगर जरूरत नहीं है। सब सही है, रोकना पड़ेगा ना। वहाँ पर पूरा भयंकर वाली ट्रैफिक लगी हुई है। Yes, I am going from a downward. और लॉकडाउन के समय ये जितने भी बिलबोर्ड है सब फाड़ के फेंक दिया गया था, सब कुछ बिलबोर्ड बिलबोर्ड कुछ नहीं लगा था। इस समय दिवाली को दोबारा इस समय सीजन आया है तो दोबारा इस समय लगना स्टार्ट हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या लोहा क्यों लगा रहे इस ब्रिज पे, पता नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है कोई कूद गया होगा, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है यार। यहाँ पर एक कूद तो यहाँ पर से भी सकता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है वैसा बना रहे जैसा कैंटोनमेंट की तरफ एक ब्रिज पे एक बना हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टिक या कुछ जाली वाले बिछा देंगे, ऊपर भी लग गया। चलो ये सही किया इन लोगों ने। अरे वाह, यहाँ का ये ट्रैफिक, ट्रैफिक तो एक्चुअली मैं भूल ही गया था कि यहाँ पर भी ट्रैफिक लगता है। सिग्नल लगता है। अरे यार, चलो अपना भी ब्रेक खराब कर रहा है, मेरा भी ब्रेक खराब कर रहा है बेवकूफ। चलो बे, जल्दी चलो, महान मूर्ति हो। तो गाइस, फाइनली दिस व्लॉग इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू मोटोव्लॉगिंग। मोटोव्लॉगिंग जिंदाबाद, ओनली फॉर मोटोव्लॉग। और थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है इतना ज्यादा घूम के आने के बाद। ये देख रहे हो तुम लोग, ये बालू लगी है 74, 86, 73, 79। अगर आपको अगर नहीं पता है, ये जो मेरा मी बैंड 3 है, स्लीप एनालाइज करता है, जब मैं सोता हूँ रात में तब ये स्लीप रिकॉर्ड करता है और उसको एनालाइज करके मेरे फोन के वाले ऐप में भेजता है। तो इस समय जो मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफी इस समय अच्छा हो गया है। Alright guys, it's 9:55 in the morning and it's the next day, it's 23rd October 2020 and also first of all congratulations, हम लोगों ने फिर से AQI 50 से बढ़ा दिया है, क्योंकि आज जो है हम लोगों का AQI which is air quality index which is 345, you can see over here, दिख रहा है। Congratulations guys, कल हम लोगों का था 300 और आज 50 बढ़ के 345 हो गया है। 45 बढ़ गए, 45 50 क्या फर्क पड़ता है। कल रात में आने के बाद मैं जब आया था, मैं जब घर पे, उसके बाद मैं कहीं चला गया था, कहीं जाने के बाद मैं दोबारा जब मैं घर पे आया कुछ काम वाम निपटा के, और मैं कुछ ज्यादा ही थक भी गया था, तो इस वजह से मैंने कल ब्लॉग की कल एंडिंग नहीं की। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। यही कहना था और तो कुछ कहना नहीं था।